हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, जो कि है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इसमें हम ह्यूमन एनवायरनमेंट किस तरह से हम उससे इंटरेक्ट करते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट के इंट्रैक्शंस एंड ऑल, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसके अंडर आता क्या है वो जैसे ही हम चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। कोई भी चैप्टर है हम उसे पहले थ्रू बुक पढ़ते हैं और उसके बाद थ्रू समरी नोट्स पढ़ते हैं। थोड़े से शॉर्ट में नोट्स बनाती हूँ मैं, उन्हें आप एज ए रिवीजन नोट्स ले सकते हैं। तो जैसे ही ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा इसके बाद मैं आपके साथ समरी नोट्स शेयर करूँगी, और अगर आप कोई समरी नोट्स पढ़ना चाहते हो तो चैप्टर 7 के जो समरी नोट्स वाली वीडियो है उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम हमने देख लिया है और यहाँ पे एक स्टोरी है, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं आपको पता ही होगा इस तरह की स्टोरीज तो हम डिस्कस करते नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे लाइफ इन द अमेजॉन बेसिन। अब अमेजन बेसिन है कहाँ पे? पहले अमेजन है क्या आपको ये पता होना चाहिए, फिर हमें पता होना चाहिए अमेजन बेसिन क्या है, फिर उसके बाद हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वहाँ पर जीवन कैसा है। ठीक है, तो अमेजन क्या है? देखिए, आपने सुना होगा वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नाइल रिवर या नील नदी, इजिप्ट में है। ठीक है, अब वो है सबसे लंबी नदी। अब वैसे ही एक और क्वेश्चन बनता है कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसमें आता है अमेजन। अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तो ईजी है समझना कि क्या है, पर जो हिंदी मीडियम वाले हैं, पानी का घनत्व, जल पानी सबसे ज़्यादा कौन सी नदी में है वर्ल्ड में, वो है अमेजन में। वो कहाँ पे बहती है? वो बहती है जी साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब अमेजन आपको पता चल गया कौन सी है, ये है नदी वर्ल्ड की सबसे बड़ी, और इसे आप कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। अब अमेजन बेसिन क्या होता है? सी, आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे पहले हम ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक वर्ड आता है ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, तो इसे मान लीजिए यहाँ पे आपको डायग्राम समझाती हूँ। ये एक नदी है, एक नहीं, ये अमेजॉन नदी है। ठीक है, अमेजॉन नदी है। अब यहाँ से कुछ नदियाँ इसमें यहाँ मिल रही हैं, कुछ यहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं। तो जो ये छोटी छोटी नदियाँ हैं ना, ये हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ। वो सारी छोटी छोटी नदियाँ जो लास्ट में जाके मेन रिवर में मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। मान लीजिए इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है, और ये है हमारी अमेजॉन नदी जो मैंने डार्क सी बनाई है, ये है अमेजॉन नदी। तो इसमें ये सारी नदियाँ जाके मिल रही हैं, तो ये सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं अमेजॉन की, मतलब सहायक नदियाँ हैं अमेजॉन की। तो अब आपको ट्रिब्यूटरीज समझ आ गया क्या होता है। ठीक है, हम चाहते थे बेसिन के बारे में पढ़ना, तो ये सारा का सारा एरिया जो कि जहाँ पे अमेजन या इसके आसपास की ट्रिब्यूटरीज बहती हैं, सिंचाई करती हैं, पानी प्रोवाइड करवाती हैं, उसे कहते हैं अमेजन बेसिन। राइट, यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिब्यूटरीज का क्या दिया है। दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर। ये छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया, द मेन रिवर अलॉन्ग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म्स अ रिवर बेसिन और कैचमेंट एरिया। यस, हम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, बेसिन की जगह कैचमेंट एरिया वर्ड यूज़ किया होता है। तो पहली चीज़ आप समझ लीजिए, बेसिन है कहीं पर लिखा हुआ या कैचमेंट एरिया है लिखा हुआ, चीज़ एक ही है। दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ ये पानी ड्रेन करती है, मतलब जहाँ जहाँ से पानी बहता है, वो सारा एरिया आ गया अमेजन बेसिन में। जो मेन नदी है उसके आगे बेसिन लगा दिया, वो हो गया उसका बेसिन। ठीक है, सो द अमेजन बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। अब जैसे अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वैसे ही जो अमेजन बेसिन है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि अमेजन क्या है, अमेजन बेसिन क्या है, कैचमेंट एरिया क्या है और ट्रिब्यूटरीज क्या है। अब हम आगे चलेंगे, इसमें कुछ खास है नहीं पढ़ने के लिए, इसमें जस्ट है कि वहाँ पे किस तरह से लोग रहते थे एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ने से पहले हम मैप की तरफ देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मैप में क्या दिया है। अब देखिए, सबसे पहले आपको आपके पास वर्ल्ड मैप होना चाहिए घर में, चाहे आप सेवन्थ क्लास में हैं या आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास वर्ल्ड मैप है, अदरवाइज एटलिस है, कुछ भी है, वहाँ पर वर्ल्ड मैप ओपन कीजिए। वहाँ पर देखिए साउथ अमेरिका कहाँ आता है, थोड़ी लेफ्ट साइड को आता है, नीचे लेफ्ट बॉटम में। ठीक है, तो ये है हमारा साउथ अमेरिका, तो वहाँ पे बाय स्टेट्स दिया होगा। यहाँ पे इन्होंने देखिए अमेजॉन बेसिन बताया भी है, जो ये ग्रीन ग्रीन सा है ये अमेजॉन बेसिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिवर भी बनी है अमेजॉन रिवर, अपनी बुक में आप देखिएगा आपको वहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो ग्रीन है सारा अमेजॉन बेसिन है, ब्लू से यहाँ पे अमेजॉन रिवर है, इसके आसपास जो ट्रिब्यूटरीज भी इसमें मिल रही हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नोटिस करेंगे कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वो इक्वेटर के पास है। देखिए, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन।
ठीक है। तो इसमें लिखा है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ को इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमें पता है 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है, तो बिल्कुल इक्वेटर के आसपास अमेजॉन बेसिन है। अब इसके 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 10 डिग्री नीचे साउथ में, ये जो पूरा का पूरा एरिया आता है इसे कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन, जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो अमेजॉन रिवर जो है इसी एरिया में बहती है। कौन से एरिया में? इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल रीजन कहाँ होता है? इक्वेटर के पास में होता है। क्या उसके लैटिट्यूड्स हैं? 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, ठीक है। तो अमेजॉन रिवर इस एरिया से बहती है। अब यहाँ पे क्या है कि नोटिस कीजिए किस तरह से, कौन से माउंटेन्स में किस तरह से बहती है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कैसे बहती है, वो आपका काम है देखना, राइट। सो अब क्या होता है, कोई भी नदी जब किसी बड़े दूसरी वाटर बॉडी में जाके मिलती है तो उसे हम कहते हैं रिवर का माउथ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आएगा, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, जैसे गंगा नदी की बात करते हैं, गंगा नदी कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो जिस पॉइंट में वो वहाँ पे जाती है, उसे जिस पॉइंट से वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, उस पॉइंट को कहते हैं माउथ ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें मिलती हैं, काफ़ी कुछ बताया है। तो अब इन्होंने कहा है कि ये आपका काम है कि उन सब कंट्रीज़ का नाम बताइए जहाँ पे अमेजॉन बेसिन है और जहाँ से इक्वेटर पास करता है। तो अब ये भी आपका काम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वेटर कौन कौन सी स्टेट से पास करता है साउथ अमेरिका की, ये आपको देखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम पढ़ेंगे वहाँ का क्लाइमेट कैसा है अमेजॉन बेसिन का। तो जो अमेजॉन बेसिन है वो इक्वेटर के आसपास है। अब इक्वेटर पे क्या होता है, मैक्सिमम टाइम सूरज होता ही है, तो हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, थोड़ी नमी सी रहती है मौसम में और गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। दिन और रात बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत चिपकी हुई गर्मी, बोलते ना चिपकी चिपकी सी गर्मी है, तो स्टिकी हॉटनेस होती है वहाँ पे। बारिश होती है, एकदम बारिश हो जाती है विदाउट एनी वार्मिंग, तो इस तरह का वहाँ पे क्लाइमेट है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स, अगर आपको याद नहीं आता मेन पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे इक्वेटर के आसपास का एरिया है, क्लाइमेट हॉट है, वेट है, डे एंड नाइट्स जो है ऑलमोस्ट इक्वल हैं, हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं, स्किन आपकी स्टिकी फील करती है, और रेन जो है वो ऑलमोस्ट एवरीडे होती है विदाउट एनी वार्निंग। तो ये हो गया। फिर आता है रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं। रेन फॉरेस्ट तो आप नाम से लगा लो, जहाँ पे बारिश में बहुत ज़्यादा होगी हो गए रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस रीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। कौन से रीजन की बात कर रहे हैं हम? इस रीजन की बात कर रहे हैं हम, अभी हम अमेजॉन बेसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने देखिए यहाँ पे अमेजॉन फॉरेस्ट भी बताया है। इन्होंने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा थिक फॉरेस्ट, गहरे फॉरेस्ट होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और पेड़ों की जो पत्तियाँ वो इतनी ज़्यादा डेंस होती हैं कि नीचे तक सनलाइट पहुंचती है। अब इमेजिन कीजिए, आपको इमेजिन करना है एक ऐसा जंगल जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी बहुत घनी पत्तियाँ हैं, और उनके नीचे सनलाइट, सूर्य की रोशनी पहुंचती ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए कितनी डैम्पनेस, कितनी नमी हो जाती होगी ज़मीन पे, है ना। जो ज़मीन है वो डार्क होती है, डैम्प होती है। अब वहाँ पे अब क्या ही उगेगा, आप सोचिए, सनलाइट तो चाहिए, तो वेजिटेशन नहीं होगी, वेजिटेशन वो होगी जो डैम्प एरिया में होती है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कौन से प्लांट्स, कौन से एनिमल्स वहाँ पे होते हैं, ये आपका काम है स्टडी करना, बिकॉज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट सा दिया है, वो जस्ट मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ब्रोमिलियार्ड्स, ये कोई प्लांट्स का नाम है, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपनी लीव्स में वाटर को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने आगे दिया है पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो मोस्टली छोटे छोटे एरियाज में ही फूड, जो खाना है वो ग्रो करते हैं, पैदावार करते हैं छोटे छोटे एरियाज में। और वो करते क्या है, जो अमेजॉन फॉरेस्ट उसका थोड़े से 10-12 पेड़ काटेंगे और वहाँ पे खेती बाड़ी कर लेंगे, ठीक है। जो मैन होते हैं, मतलब जो आदमी होते हैं, वो हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, ठीक है। वुमेन क्या करती हैं, वो जो फसलें होती हैं उनका ध्यान रखती हैं। बताया है कि मेनली वहाँ पे क्या क्या होता है, तो वहाँ पे स्वीट पोटैटो होता है, पाइनएप्पल होता है, टैपियोका होता है, ठीक है। हंटिंग फिशिंग जो है वो अनसर्टेन होती है, हमेशा आपको शिकार नहीं मिलेगा, हमेशा आपको मछलियाँ खाने के लिए नहीं मिलेंगी। तो अब ये वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उनको सबका पेट पालना पड़ता है, मतलब उनको वेजिटेबल्स ग्रो करनी पड़ती हैं ताकि उनके पास हमेशा खाना हो खाने के लिए। तो वो करते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, कोई अच्छी लैंड है, उस पर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, उनको काटेंगे, या फिर वहाँ पे अगर झाड़ियाँ हैं तो उसको जलाएंगे, और वहाँ पे थोड़ी जो लैंड होगी उसको थोड़ा साफ करके, उसको थोड़ा उपजाऊ बना के, उसमें खाद डाल के फिर वहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे। वो हो गया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फिर इनके स्टेपल फूड होता है, जो मेन फूड है वो है मैनियोक, जिसको हम कैसेवा भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इसी चीज़ के बारे में बताया है, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बट ये डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कैसे डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो लिखा है। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा अमेजॉन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा यहाँ पे ज़मीन काटी और यहाँ पे खेती बाड़ी करनी स्टार्ट की, थोड़ी और काटी, यहाँ पे घर बना लिया, खेत बना लिए, थोड़े पेड़ लगा लिए, ये खेत बना दिया, थोड़ा और काटा और यहाँ पे जो है
पूरी पूरी अपने लिए सेटलमेंट तैयार कर ली और देखिए अमेजोन फॉरेस्ट कितना सा रह गया। ये एक एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल भी नहीं, एक तरह से सच्चाई है, हर जगह यही हो रहा है। तो पेड़ों को काटा जा रहा है जिससे ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो रही है और हमारा जो आप ग्लोबल वार्मिंग देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे वर्क करती हैं ये चीज़ें, राइट। तो ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे लाइफ इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो हम पढ़ेंगे गंगा रिवर कहाँ बहती है, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ बहती है, बेसिन कहाँ, जैसे ये सब कुछ पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में और कल हम डिस्कस करेंगे मेनली इस वाले पार्ट के बारे में, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप कमेंट सेक्शन में चाहें तो फीडबैक भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, सो दैट्स इट गाइस, सी यू सून।